नमस्कार, मैं शुभम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा अपने बयानों से सुर्खियों में बनी रहती है। कुछ ही दिन पहले की बात है जब उन्होंने चिराग पासवान का दामन छोड़कर उनके चाचा कुमार पशुपति पारस का दामन थाम लिया। जैसा कि आपको मालूम है कि देवजानी मित्रा हमेशा से चिराग पासवान पर हमलावर रही है। आए दिन वह कोई ना कोई बयान जारी करती ही रहती है और इसी कड़ी में एक बार फिर से देवजानी मित्रा ने बयान जारी कर दिया है, जहां पर उन्होंने चिराग पासवान को जमकर सुना दिया। तो चलिए एक बार देखते हैं कि देवजानी मित्रा क्या कुछ कह रही हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि चिराग कुमार पासवान जी कभी शुभम सिंह से मिलते, कभी दिनेश सिंह से मिलते और आज उन्होंने फिर महबूब अली केसर जी से मिले, तो उसको राजनीतिक रूप देने की ज़रूरत नहीं। उनकी आजकल आदत बन चुकी है किसी से भी मीटिंग करते एंड ही ऑलवेज ट्राई टू मेक इट अ पॉलिटिकल थिंग। भाई आप जम्मू जाइए ना, जाके सांसद है वहाँ पे जाके काम कीजिए ना। और बार बार कितना बार लगातार ये हम लोग बताते रहेंगे ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ, जब 5 सांसद जाके ऑनरेबल पीएम मोदी से मिल चुके और सारी चीज़ें बहुत क्लियर है, तो ये सब मिल के फोटो डाल के क्या साबित करना चाहते हैं। और आई एम श्योर कि महबूब अली केसर जी ने खुद बताया कि भाई वो खुद बोले थे पटना रहेंगे तो मिलने जाएंगे, तो ठीक है मिलना जुलना लगा रहता है, लेकिन इससे राजनीतिक चीज़ें बदलती नहीं हैं और ना वो अपना दल बदलते हैं। ये वही लोग करते हैं जो लोग ये सारी बातें कर रहे हैं, और ये इससे इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो खुद चिराग कुमार पासवान जी है। सो एवरीथिंग इज़ ऑल सेट, नथिंग टू वरी। जिनको जो समझना है समझे, जिनको जो अटकलें लगाना है लगाए। हमारे 5 सांसद हमारे मंत्री जी के साथ पिलर की तरह खड़े हैं। थैंक यू। जैसा कि आपने सुना कि देवजानी मित्रा एक बार फिर से चिराग पासवान पर हमलावर हैं। वह चिराग पासवान को टारगेट पर लेकर बोल रही हैं कि चिराग पासवान को अक्सर सुर्खियों में रहने की आदत पड़ गई है। इस पर देवजानी मित्रा पूरी तरह से गरमाई हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने कह दिया कि चिराग पासवान की ये पुरानी आदत है कि वह कोई ना कोई नेता से मिलते रहते हैं और फोटो पोस्ट करते रहते हैं, यह उनकी पुरानी आदत है। साथ ही देवजानी मित्रा ने यह आरोप लगा दिया कि उन्हें हर एक चीज़ को राजनीतिक एंगल देने की आदत सी पड़ गई है। जैसा कि आपको मालूम है कि पहले भी वो कह चुकी हैं कि चिराग पासवान महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, जिस वजह से मैं उनकी पार्टी से दूर हो रही हूँ। ऐसा बयान उन्होंने पहले भी दिया था और इस बार फिर से उन्होंने 5 MLA का जिक्र करते हुए ये तक कह दिया कि उस 5 MLA के विषय में सोचने की जरूरत नहीं है, सब हमारे साथ खड़े हैं, पिलर बनकर खड़े हैं, इसलिए ज्यादा चिराग पासवान को सोचने की जरूरत नहीं है। देवजानी मित्रा ने चिराग पासवान को निशाने पर लेते हुए ये तक कह दिया कि उनसे राजनीति नहीं होने वाली, राजनीति करना है तो उन्हें सीखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से वह आए दिन हरकतें करते रहते हैं वो मीडिया में आने की हरकतें साफ तौर पर दिखाई देती है। देवजानी मित्रा का ये बयान कहीं ना कहीं चिराग पासवान को नागवार गुजर सकता है, क्योंकि आए दिन देवजानी मित्रा चिराग पासवान पर यूं ही हमलावर रहती है और एक बार फिर से उन्होंने चिराग पासवान पर जबरदस्त तरीके से हमला बोल दिया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।